सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनवी सपना को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस सपना। वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्या 2018 में 2014 की तरह ही फिर से एक बार हिस्ट्री रिपीट होगी, क्या 2014 की तरह 3 से 4 साल लग जाएंगे बिटकॉइन को अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ सभी लोग पैटर्न को मैच करते हैं, 2014 के पैटर्न को निकालते हैं और 2018 के पैटर्न को निकालते हैं, और उनका कहना है कि पैटर्न जो है वो मैच कर रहे हैं, जो ग्राफ्स हैं वो मैच कर रहे हैं। इसी वजह से जो 3 से 4 साल लगे थे 2014 में हाई जाने में बिटकॉइन को, इस साल भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। बट अगर आप मेरी ओपिनियन लें तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि पैटर्न सेम आ रहे हों, या फिर हो सकता हो कि जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ग्राफ्स की, वो उनको लग रहा हो कि सेम आ रहे हैं। जैसा आप ग्राफ देख सकते हैं, इस ग्राफ में भी आपको काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी, काफ़ी हद तक 2014 का और 2018 का ग्राफ जो है वो सिमिलर यहाँ पर है। बट अगर मेरी ओपिनियन ले जाए तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ सिमिलर होने से हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है, हिस्ट्री बनती ही इसीलिए है ताकि वो ब्रेक हो। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं, तो अगर आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर कंट्री जो है वो बिटकॉइन को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि 2014 से कंपैरिजन की, तो मैं आपको बता दूं 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में बहुत ही कम लोग थे जो बिटकॉइन के ऊपर बिलीव करते थे, बिटकॉइन को यूज़ करते थे, या फिर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की मैं बात करूं एक्सेप्ट जापान, वहां पर बिटकॉइन को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। बट अगर हम 2018 की बात करें, मुझे लगता है इतना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है लोगों का बिटकॉइन के एजुकेशन के बारे में, काफ़ी हद तक लोग बिटकॉइन के बारे में नोन हुए हैं, उसको जानते हैं। इवन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छा स्टेप ले रही है, एजुकेट हो रही है बिटकॉइन को लेकर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर। यहाँ पर इस टाइम पे सारे ही, अगर हम बात करते हैं कोरिया की, चाइना की, जापान की, इंडिया की, यूएस की, सारे ही जगह की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बिटकॉइन को लेकर रेगुलेशन लगाने की बात कर रही है, न्यू रेगुलेशन लाने की बात कर रही है। तो ऐसे में जो फ्यूचर होने वाला है, वो सभी लोग, जितनी भी कंट्री की लोग होते हैं, वो सभी लोग बिटकॉइन के बारे में अवेयर होने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब कंट्री ही उसको एक अच्छी तरह रिप्रेजेंट करेगी तो उसके लोग भी उसके बारे में जानेंगे, और इसी वजह से जो बिटकॉइन है वो ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा और उसका प्राइस हाई जाने के इस बार ज़्यादा चांसेस है। तो मुझे नहीं लगता 3 से 4 साल फिर से इस बार लगेंगे 2018 में हाई ब्रेक करने के लिए। और साथ में अगर हम इस बारे में बात करें कि क्या रीज़न है कि अभी तक 2018 में बिटकॉइन बढ़ नहीं पाया, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मैं यही रीज़न मानती हूँ जो गवर्नमेंट हमारी कर रही है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की गवर्नमेंट कर रही है बिटकॉइन के लिए एक स्टेप ले रही है। तो यहाँ पर जब न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली हम सब आकर पैनिक होते हैं और अपना बिटकॉइन सेल करते हैं, जिससे कि मार्केट जो है वो नीचे गिरती है और बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता है। यही एक वजह है कि बिटकॉइन अभी तक बढ़ नहीं पाया। और साथ में आप लोगों को पता ही होगा, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो भी वेल्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन होता है, जो वो जब चाहते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि अभी तक बिटकॉइन इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया 2018 में। ऐसे में अगर हम बात करते हैं एक्सपर्ट की ओपिनियन की, तो अगर आप जानते होंगे जॉन मैकफी को, तो उनका कहना है कि 2020 तक 1000% बिटकॉइन का रेट बढ़ सकता है, यानी कि 10 लाख डॉलर यहां पर जा सकता है। सैको बैंक्स के प्राइस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें, तो उनका भी कहना है कि 60,000 डॉलर तक बिटकॉइन जा सकता है आने वाले ईयर्स में। तो ऐसे ही कई सारे एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में 50,000 डॉलर तक जा सकता है, 60,000 डॉलर तक जा सकता है, इवन 1 लाख डॉलर तक भी जा सकता है। तो हम उनकी प्रेडिक्शन को यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेंगे कि अगर वो एक्सपर्ट हैं, वो ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में कुछ ना कुछ बात तो है और आगे चल के हमें ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ओवरऑल यही है कि 2014 की जो हिस्ट्री है वो इस साल रिपीट नहीं होगी। 2018 में हमें आगे चल के, यानी कि एंड में मैं बात कर रही हूँ,
दिसंबर तक जरूर हमें स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करी जाए मेरी, तो करंटली जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $6,300 के अराउंड, और जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है इस टाइम पे। और इसका जो सपोर्ट लेवल मान रहा है वो मान रहा है $6,000 का, कि अभी ये इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहाँ से धीरे धीरे इसको अब जाना चाहिए बिटकॉइन को। बट अगर हम बात करते हैं आने वाले टाइम की कि क्या क्या हो सकता है बिटकॉइन के साथ, तो मैं बता दूँ काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जो पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली हैं। नैस्डैक का अगर आपने नाम सुना है तो नैस्डैक भी अपना ट्रेडिंग एक्सचेंज लेकर आने वाला है। साथ में अगर हम बात करते हैं ETF की, तो ETF का भी अप्रूवल सितंबर में ही आने वाला है। तो ऐसी काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो चली आ रही हैं 2018 में। पॉजिटिव न्यूज़ के उस पर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो डेफिनेटली मेरा प्रेडिक्शन यही है कि 2018 में दिसंबर में $15,000 तक का बिटकॉइन इस साल जा सकता है। अगर हम बात करते हैं आने वाली ईयर्स की, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर की, तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि $35,000 तक बिटकॉइन आने वाले टाइम में जा सकता है। सो फ्रेंड्स, यही था ऑल अबाउट वीडियो। मैं आपको बताना चाहती थी कि हो सकता है पैटर्न सेम आ रहे हों, बट मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी इस बार, और हिस्ट्री जो है वो ब्रेक होगी। 2018 हो सकता है स्टार्टिंग से थोड़ा सा बुरा हो, बट आने वाले टाइम में प्राइस जो है बिटकॉइन का वो जरूर स्पाइक करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो या फिर आपको लगा हो मैंने कुछ रेलिवेंट आपके साथ शेयर किया, तो मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि 2014 की तरह इस बार हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर नहीं होगी? साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।